मुसलमानों पर है जमाना बुरा मुसल्लत, हलाल बेवकत हराम हो गया बेश कीमत। कुरान सुनाओ तो कर लेते हैं कान बंद, शैतान के जेलों की कुव्वत हुई बुलंद। कभी सुना है हमें ऐसे शिर्किया दावे करते हुए? शायरी है ये तो शेख मोहतरम। शायरी नहीं, काफिराना दावे। आइंदा ऐसे शेर मत पढ़ना। खल्क के मुकद्दसात और काबिल एहतराम शख्सियत के खिलाफ कुफर भक के घटिया शेर कर लिए बस। कलम तुम्हारा हक लिखे, इश्क तुम्हारी रोशनाई बने, हमेशा बस इश्क से इश्क तहरीर करना। तुर्क जबान से खुद को कभी दूर न करना, जब लिखना तो आसान और वाज़ह लिखना। हकीकत मगज है गोया, बाकी सब अखरोट के छिलकों की तरह है बेफायदा। खबर मिली है कि अहले शहर जोक दर जोक उनकी दरगाह जाकर दस बोसी करके मुरीद बन रहे हैं। कहते हैं नालेहान के बाजार के अलावा सेवरी हिसार के बाजार में भी ना सिर्फ कई दुकानें सराएं बल्कि गरा कीमा तराजी और बागात भी उनकी दरगाह के लिए वक्फ हैं। एक रोज खाने पर बैठे तो मालूम हुआ कि गुनगुर आफंदी मौजूद नहीं। शेख मोहतरम को मालूम था यकीनन, क्योंकि वो जरा भी हैरान नहीं हुए। लोगों में अफवाहें फैली हुई थी, हर किसी को ये जानने का तजस्सुस था कि गुनगुर आफंदी ने कासिम आगा से ताल्लुक क्यों जोड़ा। मगर अल्लाह शाहिद है कि हमारे शेख ने गुनगुर आफंदी के खिलाफ और ना ही कासिम आगा के खिलाफ कभी एक लफ्ज़ भी कहा हो। उनके बारे में कुछ अच्छा सुनने को मिलता या कोई बुरी खबर आती तो बस वो दुआ फरमाते। हम्दो सना तमाम आलमों के रब अल्लाह के लिए है सिर्फ। पीरो मुर्शिद हजरत ताब्दू कैमरे की ख्वाहिश पर फकीर खाने में होने वाले तमाम मामलात को कुछ अरसे से बकायदा तौर पर तहरीर किया जा रहा है। उम्मीद है कि शेख मोहतरम की आरजू के मुताबिक इस आजिज़ की तहरीर करदा ये याददाश्तें और तमाम सबक आमोज़ वाक़यात पढ़ने वालों के लिए भी और बाद में आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदे का बाइस होंगे। दिन रातों में बदलते रहे और रातें दिनों में कितनी ही खजाएं बहारों का रूप धारती रहीं। यूनुस आफंदी ने दरगाह के लिए लकड़ियां काट कर लाना जारी रखा। वो हमेशा जंगल से सीधी लकड़ियां काट कर लाते थे। बहुत जमाने बाद मालूम हुआ कि शाम गए ताखीर से उनकी वापसी का सबब सीधी लकड़ियों की तलाश में अपना वक्त सर्फ करना था। अस्सलाम वालेकुम यूनुस अफंदी। वालेकुम अस्सलाम शफीक अफंदी। खुदा आसानी करे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। हम तो लकड़ियां इसलिए काटते हैं कि इससे हमारा रोजगार वाबस्ता है, लेकिन आप किस लिए इतने बरसों से इस जंगल में लकड़ियां काट रहे हैं? एक आप ही रह गए हैं क्या इतनी बड़ी दरगाह में? क्या सिर्फ आप ही हैं जिसे इतने बड़े इलाके में रोजगार की हाजत है शफीका फंदी?
आप बताएं या ना बताएं, हम जानते हैं आप पर क्या गुजरी है। क्या किया आपने इतने बड़े शहर के काजी का ओहदा ठुकराया और एक निरे अनपढ़ शख्स के मुरीद बन गए आकर। लेकिन हुआ क्या, इसका कोई सिला मिला आपको? उन्होंने इतने जहीन और लायक शख्स को लकड़हारा बनाकर रख दिया। कहाँ हम गरीब देहाती लोग, कहाँ मदरसे से तालीम याफ्ता काजी रह चुका एक शख्स जो हमारी तरह लकड़ियाँ ही काट रहा है। बुरा ना मानिएगा यूनुस अफंदी, हम तो ना मदरसे में पढ़े ना ही किसी शेख की नसीहत में सोबत मिली, लेकिन आपके साथ होने वाली नाइंसाफी के ख्याल से दुख होता है हमें। बुरा तो नहीं माना यूनुस अफंदी? नहीं, बिल्कुल नहीं। करीब में कोई चश्मा है क्या? मशकीज़ा लाना भूल गया हूँ मैं। मैंने तो कुर्बो जवान में किसी चश्मे का पूछा था आपसे। करीब अगर कोई चश्मा होता तो आप मशकीज़ा लाया करते। ले लीजिए। अभी से कहाँ चल दिए आप, और लकड़ियाँ नहीं काटेंगे क्या? मेरे लिहाज से कुछ नहीं बचा, अब कोई और जगह तलाश करूँगा। सीधी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। अच्छा मोहतरम, खुदा हाफिज। الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد يا الله यूनुस अफंदी वापस नहीं आया अभी तक भाइयों। बाज दफा काफी देर से लौटते हैं वो। जिस वक्त काम खत्म हो जाए उस वक्त आ जाते हैं। अगर वो दानिश्ता देर से वापस आते हैं तो उन्हें जंगल ज्यादा अच्छा लगने लगा होगा। कहाँ रह गए थे बरखुरदार? यूनुस आगा का इंतजार कर रहा था, अभी आए हैं जनाब। हाँ।
हूँ शेख मोहतरम। इल्लाहू, इतनी देर कहाँ लगा थी यूनुस? सही लकड़ियां ढूंढ रहा था शेख मोहतरम। दरख्तों की टूटी हुई शाखें बाकी नहीं रहीं क्या यूनुस? बहुत है शेख मोहतरम। कितने बरस हो गए तुम्हें आगदाग से लकड़ियां लाते हुए दरगाह के लिए? क्या जंगल में खमदार लकड़ी बाकी नहीं बची अब? बहुत है शेख मोहतरम, काफी हैं अभी तो, मगर आपको दरगाह में इस्तेमाल के लिए सीधी लकड़ियां पसंद हैं इसीलिए बस। वैसे ये लकड़ी काफी खुरदरी है शेख मोहतरम। तो चलाओ कुल्हाड़ी और हम वार कर दो उसे। कितने साल हुए तुम्हें यहां? कितने बरस से पक रहे हो दरगाह की भट्टी में, मगर अभी तक कच्चे हो यूनुस। कैसी नापुख्तगी है ये, कैसा कच्चापन है। अभी तक दुनिया की बू आती है। शेख की बात का कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। असल में सबब भूल गए हैं यूनुस अफंदी, कई बार तो नमाज में भी नहीं आते। जाहिर है यही होना था। दरवेशों में से बास के कानों में शैतान बहकावे की सरगोशी करने में कामयाब हो गया। वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने लगे। किसी की गिबत ना कीजिए पीर भाइयों, बड़ा गुनाह है ये। झूठ नहीं है पीर भाई, सच बोलना गीबत होता है क्या? बिल्कुल होता है। आपने कोई आयत या हदीस नहीं सुनी क्या? एक रोज सरकारे दो आलम से पूछा गया कि गीबत क्या है, तो हमारे नबी ने फरमाया, पीठ पीछे अपने भाई के बारे में ऐसी बात करना जो उसके सामने की जाए तो उसे बुरी लगे वो बात। तो इस पर एक साहबी ने दरियाफ्त किया कि ऐ अल्लाह के नबी, अगर वो बात वाकई सच हो तो भी, अगर वो शख्स ऐसा ही हो तो भी। तो अल्लाह के नबी ने उनसे फरमाया, अगर उसके बारे में वो बात दुरुस्त है तो गीबत है, और अगर वो बात दुरुस्त नहीं तो ये गीबत भी है और बहतान भी। तुमने दरगाह के लिए अच्छी लकड़ियां लाने के लिए किस कदर मेहनत की यूनुस, मगर इसके बावजूद उन्होंने तुम्हारी मेहनत को एक लम्हे में रौन दिया, वो भी सब दरवेशों के सामने। तुम अपना कुछ भी हाल कर लो, खबर नहीं होगी शेख को। गलत कह रहा हूं क्या? पोर पोर सूझ गई है तुम्हारी। किसी को बताया तुमने? किसी से बयान किया अपने दिल का हाल? हाल बयान करना भी शिकायत ही है दरअसल। चलो ये तो ठीक है खैर, लेकिन अब तो गांव वाले भी तुम पर तरस खाने लगे हैं। एक लफ्ज भी कहा तुमने तो अब बस एतराफ कर लो हकीकत का। कहो तो सही, अपने आप से ही कह दो, बरसहा बरस यहां लगाकर कोई फैज हासिल हुआ तुम्हें? हकीकत का सामना करो, ऐसा कुछ नहीं है। Thank you.
जलाल के जरिए की गई तरबियत जमाल के जरिए की गई तरबियत के मुकाबले में तेजी से मंजिल तक पहुंचा देती है। तौहीद वालों का अल्लाह मददगार होता है। जिस कदर अल्लाह की जानिब रुजू करोगे उसी कदर हिम्मत पाओगे। हाँ, क्या कहा था हमने, जिससे लगाव हो उसी को तंबीह की जाती है। चलो आगे बढ़ो यूनुस। अलिफ की तरह सीधे चलो, पालोगे अपनी मंजिल यूनुस। इजाजत है शेख मोहतरम? बोलो क्या बात है मूसा। शेख मोहतरम, काजी मुराद आफंदी के कातिब सुनमोज आफंदी आपके मुरीदों में से हैं, आपको मालूम होगा। अगर आपकी इजाजत हो तो वो काजी आफंदी को आज शाम खाने पर दावत देना चाहते हैं दरगाह में। हरगिज़ नहीं, ऐसा सोचे भी मत। उसे कहो राज रखे दरगाह से वाबस्तगी, हिकमत से काम ले, अपने हल्के अहबाब की कुव्वत का अंदाजा लगाए बगैर इस हकीकत को आश्कार करना दरगाह के साथ गद्दारी होगी। जैसा आपका हुक्म शेख मोहतरम। और किसी शेख की ख्वाहिश तो नहीं है आपको? होगी तो बता देंगे। यूनुस आफंदी को दरगाह छोड़े हुए देखते ही देखते कितने साल बीत गए। दयार दयार फिरते रहे यूनुस आफंदी। कोनिया के रास्ते वो अयूम ताप गए, फिर हलब से होते हुए वो शाम पहुंचे, और फिर शाम में कुछ अरसा रहकर वो अनातोलिया वापस आ गए। एक दिन यूनुस आफंदी ने हमें अपना ख्वाब सुनाया जिसमें उनकी मुलाकात दो दरवेशों से हुई थी। कहाँ जा रहे? परेशान हूं, खुद नहीं जानता कि कहां जा रहा हूं मैं। अच्छा तो हमारे साथ आ जाइए। आप दोनों कहां जा रहे हैं? हम भी नहीं जानते कहां जा रहे हैं। आपको कैसे पता कि बारिश होने वाली है? जब कभी बारिश होने वाली होती है ना तो मेरे घुटनों में तकलीफ शुरू होने लगती है। मैं समझा करामत दिखाई आपने मुझे अपनी। ये मामूली बात करामत लगती है तो? दुनिया में हर शय उस हक ताला ही का जलवा है। हक ताला के सिवा कुछ भी नहीं। ये चट्टान
یہ درخت، یہ پرندے، یہ درندے، ہر شے میں اسی کی صورت گری ہے، یہاں تک کہ انسان کی صورت میں بھی۔ جب تمہارے سر میں درد ہوتا ہے تو پورا وجود تکلیف میں کیوں ہوتا ہے؟ جب تمہارے پاؤں میں کچھ چپتا ہے تو کیا تمہارا پاؤں بتاتا ہے، یا دماغ کے ذریعے جسم کو احساس ہوتا ہے؟ اسی طرح انسان بھی عالم وجود کا ایک حصہ، ایک فرزند، یعنی ایک ہی وجود سے جڑا ہوا ہے سب۔ یہی وجہ ہے بیٹا کہ بارش برسنے سے پہلے مجھے درد دیتی ہے، تو پھر اب چاہے تم اسے کرامت کہہ لو یا کچھ اور فرزند۔ آپ کے پاس روٹی ہو تو ہمیں بھی شریک کر لیں گے۔ جسے منزل کا پتہ نہ ہو کیا وہ روٹی ساتھ رکھے گا؟ ہمارے پاس بھی ایک لقمہ تک نہیں۔ تو پھر دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ کھانا بھیج دے۔ انشاء اللہ۔ آپ بھی دعا کر لیجیے، آپ کو بھی کھانا مل جائے گا۔ کیسے دعا کرو؟ یہ دعا کیسے کرتے ہیں علم ہی نہیں مجھے۔ یا رب کریم، یہ درویش کیا دعا کر رہے ہیں مجھے کچھ خبر نہیں، بس مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ فرما۔ آمین۔ آپ کیسے دعا کرتے ہیں درویش؟ کس کے توسل سے دعا مانگی ہے کہ دو پیالے شوربے کے اور دو روٹیاں ملیں؟ آپ جس کے توسل سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اسی کے توسل سے ہی دعا مانگی ہے میں نے بھی۔ نالحان نام کا ایک قصبہ ہے، واقف ہیں؟ جی جناب۔ پھر تو جناب آپ وہاں پر تابدو کیمرے کی درگاہ سے بھی واقف ہوں گے اچھی طرح۔ وہیں تابدو کیمرے کی درگاہ میں ایک لکڑہارے درویش ہیں، یونس نام ہے ان کا، بس انہی کے توسل سے دعا کرتے ہیں۔ روز ہمیں اسی طرح کھانا مل جاتا ہے۔ Oh, my God.
या रब, शर्मा हुजूरी में दुआ मांगने वाले को कैसा झोली भरकर नवाज दिया तूने। कोई शक नहीं, तेरी कुदरत बेहद व बेहिसाब। कौन हो, कौन हो तुम? मैं तुम हूं। कसरत वजूद को मत देखो, सब एक है। अपने होने को ना होना समझो। जहां भर में जिसे ढूंढ रहे हो वो अजली व अब्दी, वो हकीकत मैं हूं। तुम जाहिर हो और मैं बातें। कर्ण हा कर्ण जिसकी तलाश में भटक रहे हो तुम, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूं। लौट आओ अपने असल की तरफ। मैं यगाना हूं। तर्क करके अपनी आतिश, खाकदान अपने बदन का नाबूद करके, शश जहत में उसके दीदार के लिए बेतन हुए, बेजा हुए। इतनी तलाश क्यों थी आखिर? वो दोस्त तो पिन्हा फितरत में ही था। जब खुद से ही नावाकिफ हो तुम, फिर और क्या खबर होगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। Thank you.
غافل یونس، جاہل یونس، تم کچھ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے یونس۔ غار میں پیش آنے والے واقعے کے بعد یونس آفندی پہ یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ شیخ محترم انہیں جلال کی راہ کے ذریعے تربیت سے گزار رہے تھے۔ تب ازد پشیما ہوئے یونس آفندی، اور اس پشیمانی کا بوجھ اٹھائے چل دیے واپس تابدو کیمرے کی راہ پر۔ درویش یونس آفندی کے دل پر اشعار کی الغار ہوئی، مگر وہ سب شعر ان کے لبوں تک نہ آ سکے۔ بس ان کی پہلی نظم تھی جو زبان سے نہیں دل میں دہراتے چلے جا رہے تھے یونس آفندی۔ تیرے عشق کا گھاؤ میری جان سے زیادہ گہرا ہے، میرے سفر میں ہونے کا تیرے ہی سر سہرا ہے۔ جس سمت بھی نظر ڈالوں تو ہی تو دکھائی دے، بچ کر کہاں جاؤں انگ انگ تیرا ہی پہرا ہے۔ نہ پوچھ مجھ سے میرا، میں نہیں رہا خود میں بھی، کاش میرے وجود میں جھلک اٹھے جو تیرا یکتا چہرہ ہے۔ کیا بتلاؤں کس نے مجھے مجھ سے چھین لیا، شہنشاہ عالمین پر انگشت نمائی کون کر سکتا ہے۔ کسی کو تو تجلی میں ہی اپنا نصیب مل گیا، اور کسی کا مقصد اس سے بھی اونچا ہے۔ جس کسی کو حسن دوست نظر آ گیا، اس کے دل میں سورج سے فزوں تر اجالا ہے، مگر یونس کی آنکھوں نے بلاخر دوست کو پا لیا۔ جس نے اسے اندرون ذات کا دروازہ دکھایا ہے، کتنے ہی مہینے کتنے ہی سال گزر جانے کے بعد چپ چاپ لوٹ آئے تابدوک دروازے پر آخر کار یونس آفندی۔ یہاں سے جانے کے وقت کی طرح وہی چاند ستارے گواہ ہیں جانے اور آنے دونوں وقتوں کے۔ ہو ہو کتنے سال ہوئے تمہیں یہاں، کتنے برس سے پک رہے ہو درگاہ کی بھٹی میں، مگر ابھی تک کچے ہو یونس۔ کیسی ناپختگی ہے یہ، کیسا کچا پن ہے، ابھی تک دنیا کی بو آتی ہے۔ تیرے عشق نے مجھ کو مجھی سے چھین لیا، مجھے تیری طلب ہے صرف تیری۔ جل رہا ہوں شب و روز قرب شدید میں، مجھے تیری طلب ہے صرف تیری۔ نہ خوشی کوئی حیات کی، نہ غم ہے اب موت کا، عشق دل میں ٹھہر گیا، مجھے تیری طلب ہے صرف تیری۔ عشق نے عاشقوں کو مار دیا، عشق نے گہرائی دریا دکھا دی، اس کی تجلی سے دل معمور ہوا، مجھے تیری طلب ہے صرف تیری۔ آؤ موسیٰ، آ جاؤ۔ شیخ محترم، آپ کی صبح بخیر ہو شیخ۔ عاقبت بھی بخیر ہو۔ مریدوں نے رات بھر آنکھ نہیں جبکی شیخ، وہ چاہتے ہیں کہ شیخ کی امامت میں نماز ادا کرنے کا لطف حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thank you.
खुश आमदीद पीर भाइयों। बहुत खुशी हो रही है शेख मोहतरम, शुक्र है आपकी ज़ियारत हुई। बरसों से इंतजार कर रहे थे हम, लगता था आप लौटेंगे ही नहीं मदीने से। दुआ तो हर आन हमारी यही थी कि मदीना ही में मदफन बन जाए हमारा, मगर लगता है कबूल नहीं हुई। रब ने हमारे लिए आपको सलामत रखा शेख। अच्छा और सुनाइए, क्या हाल है आप सबके? इबादतें आपकी, दूसरी जिम्मेदारियां ठीक होंगी इंशाल्लाह। जानते हैं रियासती मामले में मदाखलत है, ये अलग रहिए इससे। हुक्म अलग चीज है, काजी अलग चीज है, अदालत अलग चीज है। मेरी निगाह में हुक्म पर एतराज, अदालत पर कैसे एतराज हुआ काजी अफंदी? अगर अहम आदमी ना होता तो मैं आपके सुकून में मुखल ना होता शेख मोहतरम। कौन आ गया? सरदार के महासिब मौलूद अफंदी तशरीफ लाए हैं। हज से आपकी वापसी के सिलसिले में आपका नूरानी दीदार भी करना है और हमारे वक्फ के महसूलात से मुतालिक भी कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ। बताओ दोनों अबरों के बीच क्या जाता है? सर उठाओ अपना, जहां से गुजरने का सोचना आसान लेकिन दर हकीकत इंतहाई मुश्किल काम है, और तुम उस दरवाजे से गुजराए हो यूनुस।